ट्रैक्टर ट्राली में हुआ महिला का प्रसव, ट्राली में पैदा हुई लाडली लक्ष्मी, खराब सड़क के चलते नहीं पहुंच पाई जननी एक्सप्रेस, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ एवं सुरक्षित। सिवनी जिले के छपारा तहसील के अहिरी टोला में देर रात एक महिला का प्रसव ट्रैक्टर ट्राली में ही हो गया। परिजन जननी एक्सप्रेस का इंतजार करते रह गए, लेकिन जननी एक्सप्रेस खराब सड़क के चलते गड्ढे में फंसी रह गई। इसके बाद आनन फानन में परिजनों ने ट्रैक्टर ट्राली में ही महिला को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही महिला का प्रसव हो गया। बहरहाल जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। दोनों को छपारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर अब इलाज किया जा रहा है। बता दें कि ग्रामीण कई बार खराब सड़कों की शिकायत जिम्मेदारों से कर चुके हैं, इसके बावजूद सड़क निर्माण का कार्य आज दिनांक तक शुरू न किया जाकर न ही उसमें कोई सुधार कार्य किया गया, जिसके चलते अब ग्रामीणों में आक्रोश भी है। छपारा से अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम बैजंती यादव है, मैं खुर्सीपार भरिया डोला की आशा कार्यकर्ता हूँ। जो कि मेरे यहाँ एक गर्भवती महिला थी, उसको ले जाने में बहुत कठिनाई हो रही थी, यहाँ रोड बहुत ख़राब हुई थी। तो गर्भवती महिला को मैंने ट्रैक्टर में गाड़ी पलंग बिछाया, उसमें फिर गर्भवती महिला को बिठाया, जिससे कि उसकी डिलीवरी रास्ते में हो गई। और यहाँ 108 को बुलाया, लेकिन 108 यहाँ पर अंदर नहीं आ सकी, वो फंस गई थी गाड़ी, तो इसलिए गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। नाम आप? जी, मेरा नाम बैजंती यादव है, खुर्सीपार भरिया टोला की आशा कार्यकर्ता हूँ। जी बताएं। मेरा नाम शुभम यादव है, मैं खुर्सीपार टोला भरिया टोला अहिरी टोला से बोल रहा हूँ। रोड की ऐसी प्रॉब्लम है कि रात में मैं ट्रॉली में गर्भवती महिला को लाया, बहुत मुश्किल से लाया हूँ, और पलटते पलटते बची ट्रॉली, उसी में डिलीवरी हो गई गर्भवती महिला की। ये 2-3 साल हो गया। जननी एक्सप्रेस आई थी, क्या हुआ? जननी एक्सप्रेस आई थी मगर ये रोड में आ नहीं पाती, कीचड़ के कारण वो आई मगर फंस गई थी। वो